हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एसएससी सीजीएल 2018 का जो फॉर्म भराया गया था, किसी कारण से उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। उसका एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर हो गया है, जो 2019 में होगा। तो आज हम उसका सिलेबस, जो टायर वन में उसका सिलेबस और एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बात करेंगे। आगे बात करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं लगभग हर रोज़ आप लोगों को देता हूँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बेनिफिट्स मिले। तो अभी शुरू करते हैं। जैसे अभी ये नोटिफिकेशन का कटिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2018 टायर वन जो फॉर्म भराया गया था, मई और जून के दौरान भराया गया था, ये जो डेट्स है, तो अभी उसका जो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुआ है वो 4 जून 2019 से 19 जून 2019 के बीच में ये अभी होगा, जो टायर वन का एग्ज़ाम है। तो ये मान के चल सकते हैं मिड जून में उसका टायर वन का एग्ज़ाम होगा। और जो टायर टू का एग्ज़ाम है, यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर में टायर टू का एग्ज़ाम दिया है, जो सितंबर के महीने में होगा, सितंबर के दूसरे हफ्ते में 11 से 13 के बीच ये जो टायर टू का एग्ज़ाम होगा। तो अभी हम टायर वन का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पेपर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स कवर करे किया जाएगा, जो वो है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस या जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स है, और इंग्लिश। ये सभी से 25 मार्क्स ईच आएंगे, और जिसका सॉरी 25 क्वेश्चंस आएंगे, बट मार्क्स जो होगा, ईच क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, जो इसमें आपको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट्स का मिलेगा। तो नेक्स्ट, अभी हम थोड़ा टायर टू का मार्क के बारे में बात कर लेते हैं। जो टायर टू का है, उसका पेपर वन और पेपर टू होता है। जो पेपर वन क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है, पेपर टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन होता है। तो पेपर वन का जो वेटेज है, दोनों का वेटेज 200 ईच है, बट पेपर वन में 100 क्वेश्चंस आएगा और पेपर टू में 200 क्वेश्चंस आएगा, जो उसका एक एक मार्क होगा। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो टायर वन का नेगेटिव मार्किंग होगा, कोई अगर क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। और सेम टायर टू में, टायर टू का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 का मतलब, एक क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करेंगे तो 200 मार्क्स आता है। तो अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो 2 मार्क मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 मार्क्स कटेगा। बट जो पेपर टू है, उसमें अगर एक सही होता है तो 1 मार्क मिलेगा, और एक अगर गलत होगा तो 0.25 मार्क्स नेगेटिव जाएगा। और ये सारा जो पेपर्स है, ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स होंगे, जो मल्टीपल चॉइस होता है। अभी हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो जनरल अवेयरनेस है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ आप देख सकते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपके करंट अफेयर और हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च, इस कंसर्न आएंगे। और जो इसका दिया गया था नोटिफिकेशन में, ये किसी भी जनरल कंसर्न साइंस या जनरल कोई भी अवेयरनेस के कंसर्न, कोई भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एंड एल्जेब्रा, एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सेट,
ग्राफ एंड लिनियर इक्वेशन, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स। तो ये सारे चीज़ जो आप देख सकते हैं, ये सारा चीज़ आएगा। और एक चीज़ है हिस्टोग्राम आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट आएगा, और ये सारे चीज़ जो आप यहाँ पे है आपके सामने, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश कंप्रिहेंशन। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, सारे जो नॉर्मल रहता है, जो किसी भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, उसी लेवल का इंग्लिश रहता है। यहाँ जो दिया है, ए बी सी एंड डी विल बी लेवल ऑफ कमेंसुरेट विथ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जैसे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और जो रीजनिंग है, ये उसी लेवल का आएगा। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये बताया गया है कि ये क्लास 10 लेवल का आएगा। पार्ट सी जो है, आप देख सकते हैं पार्ट सी, ये 10 लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। और जो रीजनिंग आएगा, वो कोई भी जनरल रीजनिंग लेवल का जो होता है, जो बैंकिंग एग्जाम में होता है, उसी लेवल का रीजनिंग आता है जनरली इसमें। तो आगे हम जब ये टायर 1 ख़त्म हो जाएगा, तो टायर 2 के बारे में मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, या हो सकता है इसी एक दो दिन में टायर 2 का सिलेबस के बारे में भी मैं आपको डाल दूंगा एक वीडियो। सो थैंक यू। सो मेरा आपसे फिर विनती है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो मेरा टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।